नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। देश को जवाब तो चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो चेहरा आपको नजर आ रहा है ना, कहने को ये बहुत बड़े किसान नेता हैं, कहने को ये दरअसल किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन उसमें इनका हित ज्यादा होता है और किसानों का अहित ज्यादा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए, एक चक्रव्यूह रचा जाता है, वो चक्रव्यूह जिसके तहत लोगों को बुलाया जाता है, आओ आओ आंदोलन करें, आओ आंदोलन आंदोलन खेल लेते हैं। खेलते क्यों हैं? क्योंकि सरकार के सामने दरअसल ये दिखाना है कि मैं कितना ताकतवर हूं, मैं कितना शक्तिशाली हूं, मेरे पास क्या पावर है, मेरी एक आवाज पर यहां पर देखिए कितने लोग आ चुके हैं। लेकिन सच्चाई आपके सामने जी हिंदुस्तान ने दिखाई, वो सच्चाई जिसमें आपको दिखा कि चंद पैसों के साथ किराए पर लोगों को बुलाया गया और यह दिखाया गया कि आंदोलन में देखिए जमावड़ा क्यों है। इस सच्चाई को नकारने की भरपूर कोशिश हुई। फिर हमने वो तस्वीर दिखाई जिसमें गाजीपुर बॉर्डर पर वो तंबू नजर आए जो खाली थे, यानी वो किसान जो बुलाए गए थे ना, वो लौटने लगे। हालांकि लोगों के सवालों का जवाब भी दिया इन किसान नेता ने और ये कहा कि ये है शादी में जा रहे हैं, ये लौट आएंगे। लेकिन इसके बीच में बरगलाने की तमाम साजिशों को एक बार फिर से नकारा गया और टिकरी बॉर्डर से जहां पे मंच तैयार किया गया था, जहां पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे ना, देश को तोड़ने वालों के, आजादी के नारे लगाने वालों के, उनके बीच से वो जो मंच तैयार किया गया था ना, वहां के आसपास के तंबू भी खाली हो गए। ये है आंदोलन की असलियत। खुद तो चल दिए अपनी पहचान बनाने, खुद तो चल दिए घूम घूम कर उकसाने के लिए, लेकिन गाजीपुर पर अभी भी जो बैठे हैं ना बॉर्डर पर लोग, जिनका नेतृत्व ये कर रहे थे, उनको छोड़कर, क्योंकि उनको पता है अपनी पृष्ठभूमि तैयार करनी है, अपनी रूपरेखा के साथ अपनी पहचान को मजबूत करना है। लेकिन इन्हीं बीच में ये सवाल आज जे हिंदुस्तान उठा रहा है, क्योंकि अपने चक्रव्यूह में अगर रणछोड़ दास फंस चुके हैं तो इस बीच में ये सवाल उठेगा और सवाल को हम पूछेंगे कि बताइए, आखिर बॉर्डर खाली होता देख धमकियों पर क्यों उतर आए? आपको लगता है कि आपकी धमकियां काम करेंगी और आपकी धमकियों का असर होगा, एक बार फिर से भीड़ तंत्र आएगा और वो भेड़िया बनकर फिर से आतंक मचाएंगे? किसान आंदोलन की साजिश समझ गया है क्या? जो सच्चा किसान है क्या इस आंदोलन की वो साजिश भी समझ चुका है और इसी का डर इनको सता रहा है? साजिश जानने के बाद बॉर्डर से किसान जा रहे हैं, ये तस्वीर तो आपने भी देखी ना, और नहीं देखी तो आप रुकिए, देश को जवाब दो में आपको मैं और भी तस्वीरें आज दिखा रहा हूं और वो सच आपको जानना होगा, देखना होगा ये सच्चाई कि देखिए किस तरह से बॉर्डर खाली हो रहे हैं, क्या आंदोलन के लिए फंडिंग बंद हो गई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए भी मेरी सहयोगी बताएगी, दिखाएगी भी वो तस्वीरें जहां से आपको पता चलेगा कि अब चाय बेचना पड़ रहा है, जिनको बुलाया गया था ना फंड की कमी होने की वजह से, ना हुआ काजू मिल रहे हैं ना ही पिज्जा बट रहा है, क्या टिकैत अपने ही चक्रव्यूह में घिर चुके हैं? सवाल यही है, क्योंकि अब तो देखा आपने ना, किसान नेताओं ने खुलकर कह दिया कि यह आंदोलन किसानों के लिए था, लेकिन आपने दरअसल इसको अपने हित से जोड़ा, इसलिए यह सवाल उठने लगा। इस बीच में तमाम मुद्दों पर बहस करें, रिपोर्ट दिखाऊं, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर को मैं आपको बता रहा हूं। लव जिहाद पर जी हिंदुस्तान की मुहिम की एक और जीत हुई है। यूपी एमपी के बाद अब गुजरात में भी बनेगा सख्त कानून। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बोले हैं आगामी सत्र में लाएंगे नया बिल। यानी देखिए, जी हिंदुस्तान ने जिस मुहिम को बड़ी ही बुलंदी के साथ रखा था कि प्यार में जो धोखा देने की एक पूरी षड्यंत्र चल रही थी ना, जो गैंग काम कर रहा था जिसे लव जिहाद कहा गया, उस पर किस तरह से सख्ती से निपटने के लिए कार्रवाई करनी है वो दिखाने की कोशिश, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका तक में इस पहलू को लेकर आगे बढ़ा, मध्य प्रदेश में भी इस पहलू को लेकर आगे बढ़ा, और अब एक राज्य और जुड़ता हुआ गुजरात, जहां पर लव जिहाद के खिलाफ पहल को लेकर आगे बढ़ते हुए कानून की ओर मुड़ती हुई सरकार नजर आ रही है। लेकिन अभी भी चंद सवाल ऐसे हैं जो उन सरकारों के लिए है जहां पर बीजेपी का शासनकाल नहीं है, क्या वहां पर आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर या फिर ऐसे धोखेबाजों को लेकर क्या कुछ खास उनकी पहल नहीं है, क्या उनकी चिंता नहीं है? लेकिन देखिए, अब लव जिहाद वालों का खैर नहीं, इसलिए क्योंकि योगी का हंटर बहुत तेजी से अब चलने वाला है, दोनों सदनों से विधेयक पास हो चुका है। तुषार के पास चल रहे हैं, लखनऊ। तुषार, दोनों सदनों से पास, यानी देखिए कानून बना के तैयार करके हंटर चलाने की तैयारी।
बिल्कुल देखिए जी, हिंदुस्तान की मुहिम का एक बड़ा असर हुआ है और एक बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि दोनों ही सदनों से लव जिहाद का कानून यानी कि धर्म परिवर्तन का जो कानून था, जो जबरदस्ती कराए जाते थे, उस पर ये कानून दोनों ही सदनों में पास हो गया है। कल विधानसभा में पास हुआ और आज विधान परिषद में भी पास हो गया है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने काफी हंगामा किया, वेल में आ गए। विधान परिषद के जो सभापति हैं उनके ऊपर ये जो कानून के जो विधेयक थे उसको फाड़ के फेंका भी गया, लेकिन फिर भी ये कानून भारी हंगामे के बीच पास हो गया है। लेकिन एक बड़ी जीत है जी हिंदुस्तान की, और उन लोगों के लिए एक बड़ी हार है जो नाम बदलकर लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को और दूसरे संप्रदाय की लड़कियों को फंसाते हैं। सवाल तो यही है उनका, जब उत्तर प्रदेश की सरकार अगर सजगता के साथ ऐसे बहरूपियों को बेनकाब करने में लग गई, तो उन राज्यों के लिए भी एक नजीर है कि आप भी कम से कम बोलिए, आप भी कुछ कीजिए ऐसे धोखेबाज, ऐसे बहरूपी, ऐसे फरेबियों के खिलाफ। निश्चित तौर पे एक योगी सरकार की हमेशा से नजीर रही है, एक यही मामला ना हो, इससे पहले भी अगर तांडव मूवी को लेकर बात करें तो उसमें भी योगी सरकार ने नजीर पेश की, फटाफट मुकदमा लिखा और अमेजन के इंडिया हेड को लखनऊ हजरतगंज कोतवाली में आने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ अगर बात करें तो निश्चित तौर पर लव जिहाद के कानून को दोनों ही सदनों में पास करा के उन लोगों के लिए एक नजीर पेश की है जो इसका विरोध करते हैं, उन राज्यों के लिए एक नजीर पेश की है जो इसका विरोध करते हैं। इसमें कड़े कानून का भी प्रावधान है, 10 साल तक की सजा, और सबसे बड़ी बात अब वो लड़कियां सेफ रहेंगी, वो बहन बेटियां सेफ रहेंगी जो भोले, जो अपने मासूमियत के वजह से दूसरों के लड़कों के प्रेम जाल में फंस जाती थी और फिर उनको एक हैवानियत का सामना करना पड़ता था उनको। फिर पहले जिस तरह से अगर बात करें तो नाम बदल के लोग शादी करते थे, अभी हाल ही की बात करें तो बरेली हो, गोरखपुर हो, गोंडा हो, तमाम जगह पे और फिर लखनऊ में। तुषार बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये खास है कि कम से कम उन धोखेबाजों के लिए कड़ी चेतावनी तो पहले ही दे दी थी, लेकिन अब बिल जब सामने आया तो कार्रवाई भी कितनी तेज होगी। विधानसभा में कल कुछ क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, एक बार वो सुनिए। कानून का भय तो होना ही चाहिए, हम कानून पे विश्वास करने वाले हैं तो कानून का भय होना चाहिए हर एक व्यक्ति, और कानून का सम्मान करने का भाव भी होना चाहिए। कानून का भय तो होना ही चाहिए, हम कानून पे विश्वास करने वाले हैं तो कानून का भय होना चाहिए हर एक व्यक्ति, और कानून का सम्मान करने का भाव भी होना चाहिए। एक और बड़ी खबर अभी आ रही है लव जिहाद पर, जी हिंदुस्तान की मुहिम की एक और जीत हुई है। यूपी एमपी के बाद अब गुजरात में भी बनेगा सख्त कानून, और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बोल चुके हैं कि आगामी सत्र में लाएंगे नया बिल, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी कानून बनेगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का यह बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मार्च में सत्र के शुरू होने के साथ ही विधेयक लाएंगे। मार्च में विधानसभा का सत्र, बजट सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून का बिल हम लाएंगे और गुजरात में भी लालच, डाक, धमकी, पैसे के कारण धर्मांतरण जो हिंदू लड़कियों में हो रहा है उसको रोकने के लिए ये बिल लाया जाएगा और गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम बनाएंगे। साजिश के 92 दिन बाद किसान आंदोलन का पूरा सच देश और दुनिया के सामने आ चुका है, और वो सच है किसानों का दिल्ली के बॉर्डर से वापस जाना। टिकरी बॉर्डर की ये तस्वीरें इसका सबूत है। कुछ दिन पहले ऐसी ही तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से भी आई थी, जब टिकैत जी ने कहा था कि किसान घर, शादी और अपने काम निपटाने गया है, फिर लौट कर आएगा, लेकिन अब तो टिकरी बॉर्डर भी खाली हो गया। इस सच को टिकैत समझ चुके थे, तभी उन्होंने ऐसी बयानबाजियां शुरू कर दी थी। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा। अब की बार हर क्रांति होगी, ट्रैक्टर चलेगा।
जुताई वहीं पे ही होगी। जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं ना, वे गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, उनकी झोपड़ियां बनानी पड़ेगी गोदामों की, तुड़वाई है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। इन तमाम धमकियों के बाद जैसे ही टिकैत जी ने संसद घेराव की बात कही, किसानों के कान खड़े हो गए और वो बॉर्डर खाली करने लगे। जो बच गए वो डरे हुए हैं। हालांकि अभी भी वो टिकैत की भाषा बोल रहे हैं जैसे तोता बोलता है, लेकिन उनका चेहरा उनका साथ नहीं दे रहा। कमेटी वाले जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी क्या प्लान है, है नहीं? हम तो उसी के आधार पर जो ऑर्डर मिलेगा उसी के आधार पर काम करें। टिकैत अपने चक्रव्यूह में खुद ब खुद घिरने लगे हैं, तो वो अब क्या बोल रहे हैं ये भी सुन लीजिए। आप अपनी अभी फसल काट लिया, सरकार ने कहा है कि आंदोलन 2 महीने में खत्म हो जाएगा, किसान अपने घर पर चला जाएगा, अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा के खड़ा कर लेना दिल्ली की तरफ को। कभी भी आप लोग कॉल हो सकती है और अपना टारगेट बड़ा टारगेट रहेगा। जब लड़ाई है देश के लुटेरों से, ये देश को लूटने आए हैं, लड़ाई है लुटेरों से, और लुटेरों का लड़ाई का मुकाबला होगा झेड़ी से। तो आंदोलन की साजिश का सारा खेल खत्म हो चुका है और उसका सबूत भी सबके सामने है। अब आंदोलन में केवल नेता बचे हैं और वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हिंदुस्तान आज पूछ रहा है कि क्यों रणछोड़ टिकैत अपने चक्रव्यूह में खुद ही घिर गए ना। अब देश को जवाब दो। देश को यही जवाब तो चाहिए। देश यही जानना चाह रहा है कि एक साजिश की जाती है, आप लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद नेता बनकर इनको उकसाते हैं, इनको भड़काते हैं, और उसके बाद जब बारी थी ना कि आंदोलन कहीं ना कहीं डिरेल हो गई, उसके बाद जब लोग लौटने लगे तो यहां पर अपनी मौजूदगी दिखा के उस नेता के तौर पर शायद इनके साथ खड़े होते। वो नहीं, आप भ्रमण पे निकले हैं उकसावे के साथ। आप भ्रमण पे निकले हैं ताकि आपके अपनी निजी हित का फायदा आपको मिल सके। आप मंच साझा करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के चेहरों के साथ। क्या ये मंशा थी? क्या ये जरूरी था? इसलिए आपने इस आंदोलन को खड़ा किया, सरकार की पेशकश को बार बार आपने ठुकराया, और दूसरी तरफ आप अब तमगा दे रहे हैं, कौन लालची है उखाड़ के फेंको, इस लोकतंत्र से बड़ा हो गया आपका जुबान। ये सवाल है। मेहमानों से मिलिए, उसके सीधा डिबेट पे चलते हैं। नेहा जोशी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, ममता काले हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रमनीश वत साहब हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, किशोर तिवारी साहब हैं शिवसेना के लीडर हैं किसान नेता भी हैं, एमएच खान साहब हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ब्रजेश भाटी हैं किसान नेता हैं, प्रेम कुमार साहब हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। लेकिन आप लोगों के साथ शुरुआत करूं उससे पहले मैं हर्षा का रुख कर रहा हूं, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। हर्षा, तंबू खाली होती हुई तस्वीरों को यहां पे बैठे जो मेहमान हैं वो नकार देते हैं, लेकिन आपने टिकरी बॉर्डर की भी तस्वीरें दी, गाजीपुर बॉर्डर पर भी मौजूद है। हमने उस वक्त भी अपनी मौजूदगी दिखाई थी जब भीड़ थी, जब हम साथ में खड़े होकर इनसे इनकी आवाज बन रहे थे। क्या ये तस्वीर गलत है जो हम दिखा रहे हैं, खाली होते हुए तंबू? बिल्कुल सही तस्वीर है, क्योंकि ग्राउंड पे हम मौजूद हैं। पैनल पे जितने लोग मौजूद होते हैं वो कभी ग्राउंड पे आके देखते ही नहीं आखिर का असलियत क्या है, असलियत दिखाने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई यही है कि एक कारण राकेश टिकैत लगातार गाजीपुर बॉर्डर में, उन्होंने इतने दिन से एक भी महापंचायत नहीं की है, लगातार महापंचायत करिए तो कहा हरियाणा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, क्यों? क्योंकि यहाँ का किसान तो लगातार कूच कर रहा है अपने गांव की तरफ। एक किसान नहीं है जिसे हम असली किसान कह सके जो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा हो, हर कोई अपने गाँव वापस जा रहा है। सिर्फ भारतीय किसान यूनियन के चंद किसान ही है जो केवल गाजीपुर बॉर्डर पर सिर्फ नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर खाली है, ट्रॉलियां खाली है, ये टेंट नहीं हटा रहे, ये कैंप नहीं हटा रहे, उसको झिल्लियों से ढक दिया इन्होंने ताकि हम देख ना सके कि अंदर एक भी आदमी मौजूद नहीं है। ये असलियत कोशिश। ठीक है हर्षा, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ दिक्कत आ रही है टेक्निकल, लेकिन मैं हितेन का रुख कर रहा हूं। हितेन, टिकरी बॉर्डर पर हमने देखे थे बड़े बड़े होर्डिंग, उनके लगाए थे जिनको ये आराध्य मानने लगे, और उनके जो देश विरोधी नारे लगाते थे, उनके जो देश के टुकड़े टुकड़े में अपनी खुशी इजहार करते थे, वो टिकरी बॉर्डर का मंच खाली, वहां के तंबू खाली, इसका क्या मतलब है? टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें भी साथ में दिखाइए। बिल्कुल, इसका साफ साफ रोहित
साहब एक ही मतलब है कि देखिए जो किसान नेता ने मेरे साथ बातचीत की थी ना वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है, उन 43 नेता में से एक नेता है जो मेरे साथ फोन पर बातचीत में साफ साफ कहते हैं कि नाम मत लीजिएगा लेकिन आप खबर चलाइए कि हमारे पास फंड जो है 25% बचा है। यानी कि साफ साफ संकेत उन्होंने दे दिए कि फंड के आधारित जो है ये आंदोलन 90 दिनों तक चलाया गया था, फंड खत्म तो लोगों की भीड़ जो है वो अपने आप जाना शुरू हो चुकी है। और टिकरी बॉर्डर पर तो तस्वीरें ये है कि उन्हें चाय बेचनी पड़ रही है, जूते चप्पल पॉलिश करने पड़ रहे क्योंकि उनके पास किराए के पैसे नहीं है, वो घर जाने के भी रुपए उनके पास बचे नहीं है। यानी कि ये साफ साफ दिख रहा है कि ये आंदोलन रुपए के दम पर चल रहा था, रुपए खत्म, अभी आंदोलन खत्म होने की कगार पर है, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो। देखिए राकेश टिकैत गाजीपुर में क्यों नहीं है, क्यों अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने में वो लगे हुए, और जहां भी जा रहे वहां वो ऐलान कर रहे कि दान दीजिए और दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। फंडिंग बंद हो गई क्या हितेन? राकेश टिकैत फंडिंग बंद हो गई क्या हितेन? काजू पिज्जा ये सब दिखते थे ना वहां पे, क्या हो गया? फंड बंद है रोहित, फंड बंद है, वही वो कह रहे हैं कि खालिस्तानी जो फंडिंग आ रही थी उस किसान नेता ने साफ साफ कहा कि खालिस्तानी फंडिंग वो एनआईए की छापेमारी के बाद एनआईए की जांच शुरू होते ही वो बंद हो गई। दूसरी तरफ भारत के अंदर जो लोग मदद कर रहे थे किसानों के नाम पर इस आंदोलन में जो भी सहायता हो रही थी वो 26 जनवरी के बाद बंद हुई क्योंकि इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लग गया। लोगों का मानना है कि देशद्रोहियों का साथ क्यों दे, इसलिए असली किसान भी अब अपने घर की ओर लौटा जा रहा है। और जो आर्थिक सहाय कर रहे थे ना लोग कि नहीं चलो किसानों के लिए हम भी मदद करेंगे क्योंकि अन्नदाता सड़कों पर है, लेकिन उन्हें पता चल गया कि ये तो अन्नदाता थे ही नहीं, ये तो राजनीति करने बैठे, इसलिए अब वो पैसे भी नहीं दे रहे, इसलिए अब इन्हें जो है अलग अलग पैसे अपनाने पड़ रहे हैं। चाय बेच रहे हैं, क्या कहा था आपने, क्या कर रहे हैं वहां पे लोग अब टिकरी बॉर्डर पर? बिल्कुल देखिए टिकरी की तस्वीरें है, ये टिकरी के गांव के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जूता पोलिश करते हैं ये आंदोलनकारी, चाय बेचते हैं, कोई टायर में हवा भरता नजर आ रहा है, या फिर कल ही मैं जब बहादुरगढ़ में मौजूद था तो मैंने ही तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से वो 3 युवक ने पिस्तल के दम पर ज्वेलरी शोरूम लूटने की कोशिश की थी, जो 2 दिन पहले ठीक एक पेट्रोल पंप को लूट चुके थे। आप दोनों के बीच में आऊंगा, मैं चाहता हूं टिकरी बॉर्डर की तस्वीर चलती रहनी चाहिए, ब्रजेश भाटी को स्क्रीन पे लाइए साथ में, टिकरी बॉर्डर जहां पर अब तंबू खाली है, जहां से वो जो किसान थे ना जो आंदोलन में बैठे हुए थे वो लौट चुके हैं, इसलिए लौटे हैं क्योंकि उनको दरअसल किसान नेताओं की सच्चाई पता चल गई। वो तस्वीर आइए प्लीज साथ में, ये तस्वीर देखिए, ये टिकरी बॉर्डर की है, ये टिकरी बॉर्डर की है भाटी जी, रोहित जी ठीक, राकेश टिकैत कहां है? रोहित जी राकेश टिकैत कहां है? राकेश टिकैत पूरे देश में घूम रहे हैं, क्यों राकेश उनको तो यहां पे बॉर्डर पे लगा ना किसान टिकैत को पूरे देश के किसानों ने बुला के अच्छा, समर्थन दे रहे हैं, अच्छा पूरे देश से समर्थन मिल रहा है, अच्छा आप देखिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है जहां जहां सभा हो रही है, मुजफ्फरनगर नहीं जा पा रहे, मुजफ्फरनगर भी जाया जाएगा, सिसौली नहीं पहुंच पा रहे, जब तक हमारे जितने मसले हल नहीं होंगे मुजफ्फरनगर क्यों जाएंगे? पूरे देश का किसान बुला रहा है, राजस्थान किसान बुला रहा है, ये कौन है बुला रहा है? सुनिए भाटी साहब देखिए सिर्फ नकारने के लिए नहीं, डिबेट में आए, इन तस्वीरों को डिस्क्राइब कीजिए, टिकरी बॉर्डर में ये खाली तंबू क्या है? ये कहीं भी कोई खाली तंबू नहीं हुआ है, गर्मी के लिए नए तंबू बनने शुरू हो गए हैं, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अच्छा जो नए तंबू हैं, जो क्योंकि जो आंदोलन में जो गर्मी से बचाएंगे वो टाट वाले तंबू बनने शुरू हो गए हैं, प्लास्टिक के तंबू हटाए जा रहे हैं, लोगों की संख्या पिछले 10 दिन से जो आप कह रहे थे ना घट रही है, अब और बढ़ने शुरू हो गई है। आप गाजीपुर एसी लगा दिया क्या आपने? एसी लगा दिया क्या? एसी भी लगेंगे, कूलर भी लगेंगे, अन्नदाता एसी और कूलर के लिए बैठा था वहां पे, सब चीज लगेगी, अन्नदाता बैठ नहीं सकता क्या एसी में? अन्नदाता सब में बैठ सकता है, अन्नदाता का पूरा अधिकार है, लेकिन अन्नदाता को बरगलाने का अधिकार नहीं है, जो आप लोगों ने धोखा दिया। राकेश टिकैत क्यों नहीं बैठे? राकेश टिकैत क्यों नहीं बैठे? पूरे देश से राकेश टिकैत समर्थन मिल रहा है, हाँ। पूरे देश के वो समर्थन इकट्ठा करने के, पूरे जत्थेबंदी के जितने भी 40 लोग हैं पूरे देश में घूम रहे हैं, समर्थन मिल रहा है, समर्थन इकट्ठा करने के, लोग रमनीश लोग बुला रहे हैं, रोहित जी पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं, तस्वीरें चलती रहनी चाहिए, रमनीश को समर्थन मिल रहा है, इनको समर्थन कहां से मिल रहा है? टुकड़े टुकड़े गेंद से मिल रहा है समर्थन, इनको समर्थन कहां से मिल रहा है? खालिस्तानियों का समर्थन मिल रहा है, किसानों का, ये सच्चाई है, किसान बरगलाइए मत, ये तस्वीरें ना ब्रजेश भाटी बरगलाइए मत, किसान हल जोतना जानता है, बंदूक चलाना नहीं जानता, किसान हल जोतना जानता है वो
हमारा अन्नदाता है। वही किसान पिछले बारे में कौन से ऐसे किसान हो गए भाई, कौन से ऐसे किसान हो गए, कौन से ऐसे किसान है, खालिस्तानियों का पैरवीकार होने वाले किसान है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत अपने आप को गरीब किसान मानने वाले नेता 17 सालों में तुम्हारी संपत्ति समझा गई परेशानी परेशानी का सबब ये है कि बरगला रहे ये देश की जनता और किसानों को। ठीक है, ठीक है, हो गया रमेश, ठीक है रमेश हो गया। प्रेम कुमार जी, क्या ये खाली तस्वीरें भी झूठी हैं क्या? देखिए रोहित जी, मैं गाजीपुर बॉर्डर में आज भी 3-4 घंटे रोक करके आया और मेरे पास भी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि भीड़ की क्या स्थिति है, भीड़ की क्या स्थिति है, जबरदस्त भीड़ है, नए टेंट्स बने हैं और लगातार लोगों की मौजूदगी है। लेकिन चूंकि आंदोलन लंबा चला है, ये बात सच है कि कभी अधिक भीड़ कभी कम भीड़ की स्थिति है, लेकिन आज भी कम से कम 3,000 लोगों को मैं देखकर आ रहा हूं आज की तारीख में गाजीपुर बॉर्डर पर। मान गए आप 3,000 लोग हैं? हाँ, मैं 3,000 लोग हैं, मेरा जो आंकलन है मैं ही बताऊंगा। बहुत अच्छी बात है, मैं वही बताऊंगा। 3,000 लोग, एक सेकंड प्लीज प्लीज, यहां इंटरव्यू नहीं, एक एक करके मैं सबको मौका दे रहा हूं, अपनी अपनी बात रखिए प्लीज। जी हाँ, जो मैं देख के आया हूं वही बताऊंगा, मेरे पास मोबाइल में तस्वीरें भी कैद हैं और वो सारी चीजें। पर प्रश्न आपके हितेंद्र जी ने अभी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रही बता रहे थे और वो बता रहे थे कि चाय बेच करके जूता पॉलिश करके हर अन्नदाता तो आज भी अपने गांव में खेती किसानी कर रहा है। 26 तारीख को जो जिन लोगों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर जो नंगा नाच किया, उसी दिन इस आंदोलन का मामला मकसद खत्म हो जाता है। इसलिए कि उस दिन के बाद इन लोगों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि ये लगे कि किसानों का आंदोलन है, अन्नदाताओं का अन्नदाता का आंदोलन है। जब ये टिकैत साहब आप नेता का नाम लीजिए, अन्नदाता का नाम मत लीजिए, अन्नदाता तो अब पूजनीय है, बहुत बड़ी बात, तो सब साथ देश में है, बहुत बड़ी बात। ये नेता जो नेता किसान अपने आप को बनना चाहते हैं, जो घूम घूम को पूरे देश में अपने आप को दूसरी पार्टियों से मिल करके इसको समर्थन के नाम पर नेतागिरी चमका रहे हैं, ये गलत है, ये इसका मैं घोर विरोधी हूँ। अगर टिकैत साहब अपने गाजीपुर बॉर्डर पर ही बैठे रहते तो क्या दिक्कत था, अपने अपने प्रतिनिधियों को भेज देते तो क्या दिक्कत था। एग्जैक्टली, ब्रजेश भाटी को लाइए प्लीज। खान साहब आप ही के सवाल का जवाब किसान नेता देंगे, ब्रजेश भाटी, क्योंकि राकेश टिकैत की आवाज बन के ये बोल रहे हैं। साहब देश में घूमना गुनाह है क्या? देश किसी एक का है क्या? किसान इस आंदोलन को जिंदा करने के लिए पूरे देश का किसान एकजुट है। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि खेत में होना चाहिए, किसान का एक बेटा खेत में है, एक व्यक्ति एक देश की सेवा कर रहा है और एक आंदोलन में है, आप भ्रमित ना करें, आप इन बातों करके भ्रमित ना करें और किसानों की बात को दबाने काम ना करें जो आप कह रहे हैं। आप समझदार व्यक्ति हो, कैसी बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या कहना चाह रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं आप। आपको ये देखना चाहिए कि जो 90 दिन से 92 दिन से किसान खड़ा हुआ है। किशोर तिवारी साहब, भाटी साहब अपनी बात रख ली, किशोर तिवारी साहब बताइए, इस तस्वीर को देखने के बाद तकलीफ ना हो, इस तस्वीर को देखने के बाद तकलीफ ना हो किशोर तिवारी साहब? एमएच खान साहब ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये तो भड़का के उकसा के फसल नष्ट करके क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप, और उसके बाद दलीलें ऐसी। किशोर तिवारी साहब देखो रोहित, संयुक्त किसान मोर्चा का फसल जलाने का कार्यक्रम नहीं था। ये कार्यक्रम कैसे आया और ये किस तरीके से रोष प्रकट किया जा रहा है, ये भी एक बात रखते। राकेश टिकैत बोल रहे थे सर। अरे मैं बात करूं ना कि सीमांत किसानों की या सूखाग्रस्त किसानों की मांगों पर ये किसान आंदोलन में जहां आत्महत्या होती है उनकी मांगे रखी नहीं जा रही है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा के किसानों की मांग है कि उनका घर बैठे सारा गेहूं और चावल खरीद ले। तो मैं कहूंगा कि इतना बड़ा आंदोलन है तो आत्महत्या करने वाले किसानों की मांग रखी। किशोर जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी देखिए कांग्रेस की भी सरकार है महाराष्ट्र में और आपकी मिली जुली सरकार है, तो क्या आपने कभी सवाल पूछा पंजाब की सरकार के से, वहां पे यदि प्राइवेट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट यदि किया जाता है तो क्या किया जाता है वहां पे? क्या कभी आपने ये सवाल पूछा कि 5 साल का जेल का प्रावधान क्यों है वहां पे? और इस कृषि कानून को मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा मेरा ये है कि उकसावा करके आप किसानों को क्यों बरगला रहे हैं? आज एक राकेश टिकैत तो एक मात्र मोहरा बनाया है, पूरे विपक्ष की पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे रालोपा हो, चाहे अजीत सिंह की पार्टी हो,
चाहे आज आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता में सरकार देखिए, बंगाल में आप कहीं भी देश के कोने में चाहिए, पूरा बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, दबाव बढ़ाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है 1 मार्च से दूध की कीमतें दोगुने होंगे, यानी दोगुने करने का ऐलान है, 100 रुपए प्रति लीटर बेचेंगे दूध, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया, यानी 50 रुपए वाला दूध 100 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा, सब्जियों के दाम भी दोगुने किए जाएंगे, ऐसी धमकी दी गई है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। हितेन हितेन का रुख करें, हितेन ये क्या है? बिल्कुल, देखिए पहले जो है दबाव बनाने के लिए राकेश टिकैत ने बयान दिया था कि अपनी फसल जला दीजिए, किसानों का नुकसान काफी कुछ हुआ, लेकिन अब ये सीधे सीधे सरकार पर दबाव बनाने के लिए आम आदमी पर बोझ बढ़ा रहे, ये आम आदमी का नुकसान करने जा रहे, जिस आम आदमी को ये अन्न पहुंचाते उन्हें ये नुकसान कर रहे, ये धमकी दे रहे कि आज तो हम 50 रुपए से 100 रुपए लीटर दूध कर रहे, लेकिन अगर आने वाले दिनों में सरकार नहीं मानी, कानून रद्द नहीं किए, तो सब्जियों के दाम भी जो है दोगुने कर दिए जाएंगे। यानी कि हर्षा अल्टीमेटम, हर्षा हर्षा दूध, देखिए देखिए एक पहलू ये है, एक पहलू ये है, हारा हुई थे, एक पहलू ये है कि देखिए क्या कर रहे हैं, लेकिन एक और अहम जो खबर आ रही है, राकेश टिकैत के उकसावे पर एक और किसान आ चुका है, जिसको मैंने दिखाया था, राकेश टिकैत फिर से दिल्ली कूच की धमकी दे रहे हैं, यही नहीं दिल्ली कूच की धमकी दे रहे हैं, करौली महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा है एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे किसान, एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे किसान, ट्रैक्टर में तेल भरा के रखें और दिल्ली कूच करने की तैयारी रखें, महापंचायत कर रहे हैं और एक बार फिर से लोगों को कह रहे हैं तैयारी करके रखिए, ये भी सही लगता है, सब कुछ सही है, लोगों को उकसाना, लेकिन लोगों के बीच में जहां पे इनको रहना था तो वहां पे नहीं रह पाए। हर्षा जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, आपने तस्वीर दिखाई मेरठ की, जहाँ पे किसान ने अपनी फसल जोती, रोहित में मुजफ्फरनगर की थी सिसोली, नरेश टिकैत के साथ उन्हीं के खेत में खड़े होकर मैंने बातचीत की, उन्होंने अपने 70 बीघा जमीन पर गन्ने की कटाई अभी की है, एक भी फसल इन्होंने खुद के खेत की नहीं जोती, राकेश टिकैत ने जो आह्वान किया था कि फसल जोत दे किसान, फसल को जला दे, ब्रजेश पाटी से पूछिएगा, सबसे पहली शुरुआत तो इनको अपने खेतों से करनी चाहिए थी ना, जो इनके पास इतने सारे बीघा खेत पड़े, शुरुआत करते ना वहां से, और ये जो लगातार बरगला रहे किसानों का, किसानों की इनकी रणनीति समझ में आ गई है रोहित, क्योंकि इनके गढ़ के किसानों ने कहा था हमें वार्ता चाहिए, इनकी राजनीति नहीं चाहिए, खुद खाक चौधरियों ने कहा था कि अगर ये चुनाव में जाएंगे किसान आंदोलन मुद्दा लेकर के तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, खाक के चौधरी कभी नहीं चाहते हैं, ये ब्रजेश पाटी को बता दीजिएगा रोहित, क्योंकि मैं गढ़ में पार्टी सुन रहे हैं हर्षा आपको, क्योंकि यही तो बात है, यही तो नहीं, छोड़िए अभी छोड़िए, ये 1-to-1 बाद में करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी सवाल, सबसे बड़ी मुद्दे की यही बात हो रही है ना, आप उकसाते हैं छोटे किसानों का, किसी ने सोचा क्या होगा, ये देखिए राकेश टिकैत, ये किसान नेता नहीं, खुद को अपने आप को नेता पहचान बनाने के लिए खुली जीप में घूमते हुए राकेश टिकैत, किसानों का मुद्दा पीछे रह गया, खुद की बातें बड़ी हो गई और उकसावे की कार्रवाई, एमएच खान साहब और प्रेम कुमार इन दोनों को स्क्रीन पर लाइए इन तस्वीरों के साथ, प्रेम कुमार जी, क्या ये किसान नेता जो खान साहब कह रहे हैं उनकी बातों से भी इत्तेफाक नहीं रखते? रोहित जी तस्वीरें तो देखिए किस तरह से, वाह तस्वीरें सर आपने वो भी देखी होगी ना, फसल नष्ट करते हुए राकेश टिकैत कहां बैठेंगे, कैसे आंदोलन करेंगे, ये कोई दूसरा आदमी तय करेगा क्या? राकेश टिकैत आज किसान आंदोलन के प्रतीक बन चुके हैं, देश के बोलने वाले किसानों का प्रतीक, मैं सुनना चाहता हूं, खान साहब को भी सुनना चाहता हूं जी। देखिए उन किसानों को जो इनको बड़गड़ाया जा रहा है, जो अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, उनका कौन भरपाई करेगा? देखिए दो उदाहरण सामने है खान साहब, दो उदाहरण सामने हैं, लेकिन मैं ये बात साफ करना चाहता हूं और सबको याद दिलाना चाहता हूं कि राकेश टिकैत ने कभी भी फसलें जलाने का आह्वान नहीं किया, उन्होंने कहा कि एक स्थिति पैदा होगी जब मजबूर हो जाएंगे किसान तो अपनी फसल भी जला सकते हैं, फिर आपने सुना नहीं लगता है, राकेश टिकैत ने जो कहा था अपने फसल को नष्ट करेगा किसान जलाने की बात कही थी, ममता काले ममता काले ममता काले अरे समय आने पर आप इकसाएंगे, ममता काले ममता काले सरकार चिंतित हो, ममता काले इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री, आज ऐसा रिफॉर्म लाया करके, रमनीश जी रुकिए, ऐसा नहीं होगा, रुकिए ठीक है सर, जो आपने कहा सब ठीक है, ममता काले एक मिनट, ममता काले बदनाम करने का काम ना करें, हाँ कौन कर रहा है, दिख रहा है आंदोलन का स्वरूप है, इंडिया गेट के आगे जाकर के ट्रैक्टर चलाएंगे, अरे वो तो आप लोगों ने किया था ये लाल किला कांड, सर्जिल इमाम को भी लाल कांड आप लोगों का रचा हुआ है, इमाम जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ था, जैसे लोगों को लाल किला कांड के बाद तो गृह मंत्री अमित शाह को पद पर रहने का हक नहीं था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें हमारे काम से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इस देश की सच्चाई यही देख रहे, बहुत बहुत शुक्रिया भाटी साहब, हो गया, अब सबसे बड़ी बात यही है
कि देश वो तस्वीर भी देख रहा है और लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि ये आंदोलन तो दरअसल किसानों का था ना, खुद को चमकाने का तो नहीं था। कौन कहां जाता है कोई सवाल नहीं, लेकिन किसके लिए किसको बुलाया गया और कहां बुलाया गया उसके साथ अगर नहीं है तो उससे सवाल पूछूंगा, पूछता रहूंगा।